हमारे भारत में एक कहावत है, खिलाओ तो बल भर खिलाओ और अगर किसी को मारो तो बल भर मारो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वीर महान कौन है? आखिर कैसे इन्होंने उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकल के WWE तक का सफर तय किया? और सबसे अहम सवाल कि आखिर क्यों रे मिस्टीरियो इनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है और ये इनके साथ फाइट करने के लिए बेचैन हो रहा है? वेल, तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको वीर महान की जिंदगी से जुड़ी हर एक बात बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीर महान का जन्म 8 अगस्त 1988 के संत रविदास नगर के एक छोटे से गांव गोपीगंज में हुआ था। जन्म से ही इनके घर की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी क्योंकि इनके पिता एक ट्रक ड्राइवर थे। वीर महान के बचपन का नाम रिंकू सिंह राजपूत था। बचपन से ही इनकी दिलचस्पी खेलों की तरफ थी और इन्होंने पढ़ाई में कम ध्यान दिया और इनका पूरा परिवार केवल एक ही कमरे में रहा करता था। इनके गांव के लोग भाला फेंकने का खेल काफी ज्यादा खेलते थे। यही कारण था कि रिंकू सिंह को भी ये खेल पसंद आने लगा और उन्होंने भी इस खेल को खेलना शुरू कर दिया। आगे चल के इन्होंने लखनऊ के एक स्पोर्ट कॉलेज में एडमिशन लिया जिसका नाम था गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज। इसी कॉलेज में रहते हुए उन्हें एक रियलिटी शो के बारे में पता चला जिसका नाम था द मिलियन डॉलर आर्म्स। कम टू इंडिया लुकिंग फॉर अ बेसबॉल स्टार। The Americans are here looking for a baseball hero. आपको बता दें कि ये एक ऐसा रियलिटी शो था जिसमें दो लोगों का सिलेक्शन होना था। पहले पोजीशन पे आने वाले को $1,000,000 का इनाम मिलना था, वहीं दूसरे पोजीशन पे आने वाले को $10,000 का। ये रकम काफी ज्यादा थी। दरअसल ये कॉम्पिटिशन बेसबॉल पे आधारित थी और सबसे तेज बेसबॉल को फेंकने वाला इसका विनर बन जाता। रिंकू सिंह को जब इस बारे में पता चला तो उन्हें लगा कि वो इसे जीत सकते हैं, इसीलिए उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। आपको बता दें कि इसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोगों की संख्या 37,000 से भी ज्यादा थी जिसमें से रिंकू सिंह भी एक थे, लेकिन इनमें से बहुत कम ही लोग ऐसे थे जो बेसबॉल को 80 माइल पर आवर की स्पीड से फेंक पाए। लेकिन रिंकू सिंह ने इस कंपटीशन में जीत हासिल कर ली और इनका इसमें पहला रैंक आया। वहीं दूसरे नंबर पे आने वाले दिनेश पटेल थे। जीत के बाद इन दोनों को अमेरिका बुला लिया गया और वहां इन्हें बेसबॉल की ट्रेनिंग दी जाने लगी। ट्रेनिंग के कुछ ही वक्त के बाद इनकी बेसबॉल फेंकने की स्पीड बढ़कर 148 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई, जो कि सच में काफी ज्यादा थी और किसी ने भी नहीं सोचा था कि रिंकू सिंह की स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी। खैर, 4 जुलाई 2009 को ये पहले भारतीय बने जिन्होंने अमेरिका में प्रोफेशनल बेसबॉल में हिस्सा लिया। 23 जुलाई 2009 को इन्होंने बेसबॉल मैच जीत लिया और ये एक प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर बन गए। इस बीच उन्हें काफी शोहरत मिली, यहाँ तक कि उन्होंने उस वक्त के प्रेसिडेंट ओबामा से भी मुलाकात की और इनके नाम का चर्चा पूरे अमेरिका में होने लगा। अब आता है साल 2014 जब इनके ऊपर एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम था द मिलियन डॉलर आर्म्स। दरअसल ये फिल्म उसी रियलिटी शो पे आधारित थी जिसे इन्होंने जीता था। इन्होंने 2017 तक प्रोफेशनल बेसबॉल खेला लेकिन इन्होंने 2018 में प्रोफेशनल बेसबॉल को अलविदा कह दिया और WWE के मैदान में हाथ आजमाने उतर गए। जब रिंकू सिंह ने WWE में कदम रखा तो उनके नाम को कई बार बदला गया। शुरुआती दिनों में इनके नाम को छोटा करके रिंकू कर दिया गया, लेकिन उसके बाद WWE की टीम ने रिसर्च किया, फिर उन्हें पता चला कि ये एक राजपूत हैं जो कि वॉरियर होते हैं। ऐसे में WWE ने इनके नाम को बदल के वीर रख दिया। फिर आगे चल के इनके नाम में और परिवर्तन हुआ और इनकी महानता को देखते हुए इनका नाम वीर महान रख दिया गया, जो कि आज इसी नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, इनके रेसलिंग की दुनिया तक पहुंचने का सफर इतना भी आसान नहीं था, जैसा कि आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि कैसे इन्होंने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल किया और यहाँ तक पहुँचे। लेकिन इनकी जिंदगी की असल कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि जब से इन्होंने WWE में एंट्री की है इनके नाम के चर्चे पूरे दुनिया में होने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भारतीय रेसलर इससे पहले यहाँ तक नहीं पहुँचा, लेकिन वीर महान का गेटअप उन्हें सबसे अलग बनाता है। माथे पे त्रिपुंड, छाती पे माँ लिखा होना और इनके हाथों पे राम का नाम लिखा होना, ये सभी चीजें उन्हें और रेसलर से अलग बनाती हैं। इतना ही नहीं बल्कि आपको जान के और भी ज्यादा हैरानी होगी कि ये एक वेजिटेरियन है। ये सच में काफी हैरान कर देने वाली बात है कि कैसे कोई इतना बड़ा रेसलर वेजिटेरियन हो सकता है। दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है। साल 2012 से पहले ये मांसाहारी थे और ये मांस खाया करते थे, लेकिन एक बार ये चिकन लेने के लिए दुकान पे पहुंचे और इन्होंने देखा कि कैसे ये लोग जानवरों को मार रहे हैं। उन्हें जानवरों का ये दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, तब से लेके अब तक उन्होंने कभी भी मांस नहीं खाया। एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि कैसे इन्हें अपने परिवार के साथ होली और दिवाली सेलिब्रेट किए हुए 12 साल हो चुके हैं, क्योंकि ये पूरी जिंदगी भारत के नाम को रोशन करने के लिए प्रयास करते रहे। लेकिन आज मुझे हो गया, समझ लीजिए कि 12 से 15 साल हो गए हैं, ना कोई मैंने दिवाली सेलिब्रेट किया है ना कोई होली सेलिब्रेट किया है। हाँ, थोड़ा बहुत
मैं यहाँ पे अमेरिका में कर लेता हूँ इंडियन कम्युनिटीज में, लेकिन मैं परिवार के बीच में रह के नहीं कर पाया। WWE की शुरुआती दिनों में इन्होंने सौरभ गुर्जर के साथ टीम बनाई, दोनों को द इंदर शेर नाम दिया गया। दोनों ने मार्च 2020 में NXT में डेब्यू किया। दोस्तों, वीर महान का WWE कैरियर काफी जबरदस्त रहा है और पिछले कुछ दिनों में इन्होंने अपने सारे मैचेस में जीत हासिल की है। इन्होंने रेम स्टूडियो के बेटे डोनमिक स्टूडियो को केवल 119 सेकंड में ही हरा दिया। कुछ हफ्ते पहले इनका मैच रेम स्टूडियो के साथ बुक किया गया था, लेकिन वो मैच अब तक नहीं हो पाया है। रेम स्टूडियो पिछले काफी समय से दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। अब इनकी नजर अपने बेटे पे हुए खतरनाक हमले का बदला लेने पे है और ये पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और वीर महान के साथ मैच खेलने के लिए बेचैन हो रहे हैं। अब हम जान लेते हैं कि अगर इन दोनों के बीच मैच होता है तो आखिर कौन जीतेगा। अगर लोगों की माने तो वीर महान द ग्रेट खली और जिंदल महल से भी ज्यादा ताकतवर हैं और इस वक्त इनका पीक चल रहा है। साथ ही अभी इनके अंदर काफी मोमेंटम है और ये बिल्कुल सही समय है कि इन दोनों के बीच मैच हो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।